हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी एंड स्पीड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसिलेशन। तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एसिलेशन? एसिलेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एसिलेशन। तो एसिलेशन क्या होता है? एसिलेशन होता है किसी भी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं? एसिलेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं एसिलेशन क्या लिखा हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स एसिलेशन। और एसिलेशन क्या बताता है? एसिलेशन ये भी बताता है कि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंजेस, कितनी फास्टली चेंज कर रही है। ठीक है, तो एसिलेशन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रही है, तो वो हमारा क्या होता है? एसिलेशन होता है। तो एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिलेशन इक्वल टू हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो एसिलेशन का जो हमारी एसिलेशन है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है एसिलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसिलेशन की जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो ये हो गया एल टी माइनस वन अपॉन में टाइम, ये हो गया टी। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम जीरो एल टी माइनस टू। तो ये हो गया हमारा एसिलेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, एम जीरो एल टी माइनस टू। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम, जैसे हमने वेलोसिटी और स्पीड को क्या किया था, डिफ्रेंशिएट कर दिया था अलग अलग, जैसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, इसी तरीके से एसिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन की बात करते हैं सबसे पहले। यूनिफॉर्म एसिलेशन, किसी भी बॉडी को, जो हमारा कोई भी एसिलेशन है किसी भी बॉडी का, उसको यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? जब हमारा इक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या रहा है? इक्वल चेंज आ रहा है, इक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा है इक्वल टाइम पीरियड में। तो उस कंडीशन में उस एसिलेशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एसिलेशन बोलेंगे। तो जैसे डेफिनेशन में हमने लास्ट टाइम स्पीड और वेलोसिटी की टर्म में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपस में जस्ट क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म के केस में क्या जाता है? इक्वल आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या जाता है? अनइक्वल आ जाता है। वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो वेरिएबल एसिलेशन क्या होगा? वेरिएबल एसिलेशन होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का जो अमाउंट है, जो अमाउंट है हमारा वेलोसिटी का चेंजेस का, तो वो हमारा क्या है? अनइक्वल अमाउंट में चेंजेस है वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट में हमारा क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? हमारा वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल एसिलेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एसिलेशन इज बॉडी टू बी वेरिएबल। जो हमारी कोई भी बॉडी है उसका एसिलेशन कब बोलेंगे? उस वेरिएबल एसिलेशन कब बोलेंगे? जो हमारा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारा क्या रहा है? अनइक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जो हमारा एसिलेशन होगा इस कंडीशन में, वो क्या होगा? वेरिएबल एसिलेशन हो जाएगा। तो एवरेज एसिलेशन की बात करते हैं। एवरेज एसिलेशन क्या होता है? एवरेज एसिलेशन है हमारा रेशियो है सिंपल, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जो टोटल टाइम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, अगर हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चेंज आया है वेलोसिटी का, बॉडी का, जो हमारी कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एवरेज बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। जो टोटल टाइम टेकन है, जो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम टेकन है, तो एवरेज एसिलेशन कितना आ जाता है? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। हमने ये कंसिडर किया है इनिशियली जो t1 टाइम था, t1 टाइम पर हमारा जो वेलोसिटी थी बॉडी की वो कितनी थी? v1 थी। t2 टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो गई है? v2 हो गई है। तो टाइम इंटरवल कितना आ गया? टाइम इंटरवल आ गया t2 माइनस t1। टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? v2 माइनस के v1। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल v अपॉन में डेल t। नेक्स्ट बात करते हैं,
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के केस में क्या होता है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, जो हमारा एक्सीलरेशन की डेफिनेशन में क्या चेंज कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पर, एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, अमाउंट ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा। या एक पॉइंट ऑफ, जो हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, तो एट द गिवन पॉइंट ऑफ इट्स मोशन वो भी हमारा क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के अंडर में आ जाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, द एक्सीलरेशन ऑफ एनी बॉडी, जो कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए गिवन पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो हमारा चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोल रहे हैं, जो हमारा वेलोसिटी में चेंज आ रहा था। तो इसको लिखते हैं, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को, तो ए इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी अपॉन में डेल टी इक्वल टू क्या आ जाता है, डी वी अपॉन में डी टी। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी डी वी अपॉन में डी टी। अगर हम पोजिशन वेक्टर, पोजिशन की टर्म में इसको लिखते हैं, तो पोजिशन क्या होता है, वी इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो v को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, dx अपॉन dt से रिप्लेस कर दिया, तो कितना आ गया एक्सप्रेशन, d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर। अभी इनसे अलग हमारे दो एक्सीलरेशन और होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन की बात करते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी, ये हो गया पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन के केस में क्या होता है, अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उस एक्सीलरेशन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। एक होता है जब वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, डीएक्सीलरेशन, ये सब किसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, इसी को बोलते हैं डीएक्सीलरेशन। तो इन सब केस में क्या होता है, रिटार्डेशन, डीएक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो तुम अपनी स्कूल बस में हो, और अभी तुम स्कूल, अब तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है वो स्कूल पर पहुंचना है स्कूल बस से। तो जब हम स्कूल तक पहुंचने वाले होते हैं, जब हमारी डेस्टिनेशन हमारे सामने है, तो बस की स्पीड क्या होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगी। जब टाइम के रिस्पेक्ट में बस की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होगी, तो वो किसके अंडर में आता है, हमारी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती है, कहाँ पे होता है वो होता है हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन में। तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। जब हम किसी बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो हमारी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है एक तरीके से। जब वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, एक तरीके से इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो इसको जितना आसपास से रिलेट करके हम इसको समझेंगे, उतना ही हमारे लिए इजी होगा, और एक लॉन्ग टाइम तक हम उसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे, हमारे पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में बात करेंगे, और फिर फाइनली हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।